विदिशा शहर के लगभग एक दर्जन विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य, पदाधिकारी और राजनीतिक दलों के सदस्यों ने विवेकानंद चौराहे से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय में एसपी मोनिका शुक्ला को एक लिखित ज्ञापन सौंपा। मोनिका शुक्ला ने चार दिन पहले हॉस्पिटल तिराहे पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा डंडापुरा निवासी दुष्यंत तोमर और क्लेंदर निवासी शुभम शर्मा के साथ मारपीट की गई। इस पूरे मामले में रात में ही कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने केवल आदम चेक काट पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। दूसरे दिन भी पीड़ित परिवार कोतवाली पहुंचा, तब भी रात 1:30 बजे तक FIR न लिखने के लिए समझाइश की जाती रही। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा बार बार ये भी कहा गया कि आप FIR मत करो, दूसरी तरफ से भी आपके खिलाफ FIR की जाएगी। कोतवाली पुलिस द्वारा सहयोग न मिल पाने और आरोपियों की खुलेआम घूमने के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा कई और घटनाओं को अंजाम देने से नाराज 12 विभिन्न संगठनों के सदस्यों, राजनीतिक सदस्यों ने 500 की तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी कार्यालय में लिखित ज्ञापन एसपी मोनिका शुक्ला को सौंपते हुए मारपीट करने वाले मेडिकल कॉलेज के छात्रों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा शहर में गुंडागिरी की जा रही है, उसके खिलाफ में आज हम सब लोग शहर के समस्त विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, राजनीतिक दलों के लोग आज प्रशासन से मिलने के लिए आए थे कि शहर को शांति से रहने दिया जाए। जो गुंडागिरी मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा की जा रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जो लड़के पढ़ने आए गुंडागिरी करने आए, यहाँ का माहौल ऐसा कर दिया जैसे बॉम्बे में रह रहे हों। विदिशा को बॉम्बे बनाने का काम किया जा रहा है, खलेआम दारू की बोतलें लेकर घूमती हैं लड़कियां। इन सब पर प्रतिबंध लगे, जो मादक पदार्थों का सेवन खुलेआम हो रहा है, पुलिस प्रशासन के नीचे हो रहा है, मेडिकल कॉलेज पास में पुलिस की शक्ति के कारण वहां पर मादक पदार्थों का विक्रय हो रहा है, नशे के आदि हो रहे हैं बच्चे, और शहर के लोगों को भी लत लग रही है। तो आज माननीय प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि जो मादक पदार्थों का विक्रय और सेवन है वो तत्काल बंद किया जाए। हमने कहा जो नामजद आप लड़कों के नाम बता रहे हैं जो गुंडागिरी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके FIR में नाम लिखा जाएगा, और शहर में जो विवेकानंद चौराहे से मेडिकल तक की मार्केट है वो 10:30 तक बंद कर दिया जाएगा, जिससे जो असामाजिक तत्व इकट्ठे होते हैं वो इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। 7 दिन में मेडिकल कॉलेज के आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी न होने पर विदिशा शहर बंद करने की चेतावनी भी दी गई। इस पर SP मोनिका शुक्ला ने दोनों पीड़ितों के बयान CSP कार्यालय में दर्ज कराने और जल्द कार्रवाई करने की बात कही। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।